हाय एवरीवन, दिस इज पर्सन, वेलकम बैक टू इन्फ्लेक्टर। सो जैसा कि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं। हालांकि आप लोगों में से कई स्टूडेंट को पता भी होगा प्रोफेसर बनने के क्या क्या स्टेजेस है, क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, बट स्टिल आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि क्या कैसे आप कम ड्यूरेशन में ही या कम एज में ही आप प्रोफेसर बन सकते हैं। सबसे पहली चीज, प्रोफेसर आप डायरेक्टली नहीं बनते हैं, सबसे पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है या फिर आपके पास 8 to 10 years का वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं। उसमें भी आपके पास एटलीस्ट 5 year का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ कॉलेज और इन अ स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए एक प्रोफेसर बनने के लिए। सबसे पहले चीज, यहाँ पे जैसे ही आप 10th क्रॉस करते हैं, उसके बाद आपको 11th में कोई ना कोई स्ट्रीम चूज करना होता है। अब यहाँ पे एक मुश्किल ये है कि जो स्टूडेंट्स है वो साइंस स्ट्रीम चूज कर लेते हैं जस्ट बिकॉज कि उनके फ्रेंड्स ने ये सब्जेक्ट चूज किया या उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आपको साइंस लेना है, इसलिए अभी आप साइंस ले लेते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप प्रोफेसर या टीचर बनना चाहते हैं, जो लोग टीचर बनना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में जरूर आएगा जो कि आपके करियर में हेल्प कर पाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी स्ट्रीम ऐसे किसी को देख के चूज कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर दूं यहाँ पे। अगर आप इस तरीके से कोई कोर्स परस्यू करते हो आगे फ्यूचर में, तो आपको ही प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने भी स्ट्रीम चूज किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने इंटरेस्ट को लेके, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, उन लोगों को बहुत फायदा होता है आगे। और आप लाइक आपका इंटरेस्ट है ही नहीं साइंस स्ट्रीम में, बट आप साइंस स्ट्रीम से 11th कर रहे हैं, तो वहां पे आपके मार्क्स कम आने वाले हैं, वो ऊपर से आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप पढ़ोगे भी नहीं सही से, तो नॉलेज भी नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि दो चीजें होनी चाहिए आपके पास। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट पढ़ना, दूसरी चीज आपके पास नॉलेज ज्यादा है, इन दोनों को कंबाइन करके जो कंक्लूजन आ रहा है, जो सब्जेक्ट आ रहा है, उस सब्जेक्ट से अगर आप कोर्सेस परस्यू करते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज जितनी भी है, आप सभी में एंटर कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको इस फील्ड में नॉलेज है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपने स्ट्रीम चूज किया 11th में, 12th क्रॉस करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होता है। बैचलर्स डिग्री आपको करना है, किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, ऑनर्स डिग्री कर सकते हैं, जनरल डिग्री कर सकते हैं, प्रोफेशनल डिग्री कर सकते हैं, बीबीटेक। ठीक है, तो बेसिकली आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन की जस्ट बाद आपको मास्टर डिग्री कर लेना है। मास्टर डिग्री में कम से कम 55% आपके होने चाहिए। 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है वो मैटर नहीं करेगा, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कितने परसेंटेज है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 55% एटलीस्ट होने चाहिए, सो दैट आप नेट के लिए या जेआरएफ के लिए एलिजिबल होगा, उसके लिए अप्लाई कर पाओ। ठीक है, अब जैसे ही मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको नेट या जेआरएफ देना होता है, इसमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों एक ही है। दोनों ही प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी कंडीशन है, इसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। नेट अगर क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको नेट की सर्टिफिकेट मिलती है, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है नेट के साथ साथ, यानी कि आप लेक्चरर के लिए एलिजिबल है, साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा जिससे आप पीएचडी कोर्स कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी में एनरोल होते हैं तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है थ्रू जेआरएफ। ठीक है, यहाँ पे 35,000 से 40,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलता है, सो विच इज अ गुड अमाउंट अगर आप एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं। ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी में ही आपका पीएचडी होता है, कॉलेज में आपका हायर डिग्री कोर्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, सो नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे या तो आप पीएचडी कर लो या फिर आप एफिल कर लो। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है, जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो वैरी करती है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी कर सकती है। कोई एक फिक्स एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं है, बट हाँ मास्टर डिग्री एक मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन है, एंड इसके साथ साथ नेट या जेआरएफ, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में नेट जेआरएफ मांगा जाता है। अभी फिलहाल पीएचडी की बात करें तो पीएचडी या फिर एमफिल कंपलसरी नहीं है एक असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर बनने के लिए, हो सकता है आने वाले टाइम में ये कंपलसरी होने वाला है। ठीक है, बट अभी की बात करें तो
आपने मास्टर डिग्री किया है, आपने नेट या JRF क्वालिफाई किया है, आप एलिजिबल हो। कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपने मास्टर डिग्री किया है और उसके पास आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है 3 से 4 साल का, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री प्लस वर्क एक्सपीरियंस, सो ये सारे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है फ्रॉम 12th टू PhD। सिलेक्शन कैसे होता है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की? तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे कॉलेज टू कॉलेज या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करती है, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो क्या है बेसिकली वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे तो जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन है सभी को यहाँ पे वेटेज दिया जाता है, हर एक डिग्री हर एक कोर्स को यहाँ पे पॉइंट दिया जाता है एंड फाइनल सबको समअप करके जिसके भी ज्यादा नंबर होते हैं, जिसके भी ज्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है, उससे पहले आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद एक इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर के लिए रिक्रूट हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, लाइक आपके क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के जो मार्क्स है उसको एक पॉइंट दिया जाएगा, लाइक एक रेंज बना दिया जाएगा, और उस रेंज में अगर आपके परसेंटेज आ रहे हैं तो उस रेंज के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स वो दे रहे हैं वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो जितने अच्छे मार्क्स होंगे, जितना अच्छा आपका अकेडमिक सेशन गया होगा, उतना अच्छा यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं, उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे बेसिकली। एंड यहाँ पे लाइक मास्टर डिग्री के बाद आप JRF आपने किया है, नेट किया है, JRF वालों को यहाँ पे डेफिनेटली बोनस पॉइंट मिलेंगे। एंड इसके बाद अगर आपके पास कोई भी लाइक स्कूल या कॉलेज में कोई अवार्ड मिला है अकेडमिक में, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, या फिर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, एक्स्ट्रा कोई कोर्स आपने किया है, एक्स्ट्रा आपके पास कोई सर्टिफिकेट है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अकेडमिक फील्ड में अगर आपके पास कोई अवार्ड्स वगैरह या अदर क्वालिफिकेशन है, तो वो सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो जितने ज्यादा क्वालिफिकेशन होंगे, जितने ज्यादा आप एजुकेटेड होंगे, उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एंड ये पॉइंट्स के जो क्राइटेरिया है वो वैरी करेगा, ठीक है, कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सो जिस भी यूनिवर्सिटी में अगर लाइक आपका कोई एक ड्रीम कॉलेज हो या ड्रीम यूनिवर्सिटी है कि हमें इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, तो उसकी सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक कर लो, सिलेक्शन प्रोसेस चेक कर लो, क्या किस तरीके से वहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो लेटेस्ट में मैंने एक देखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का एप्लीकेशन चल रहा है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या फिर एसोसिएटेड प्रोफेसर के लिए। इसके अलावा और भी अभी कुछ है, JKPSC का चल रहा है, ICMR, ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है, ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनना है तो टाइम टू टाइम आपको ये चेक करते रहना है कि कब कौन सी वैकेंसीज आ रही है, और जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करो। ठीक है, अगर आप बहुत कम टाइम में या कम एज में ही प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या राइट अप्रोच होना चाहिए? जैसे ही आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप स्कूल में टीचिंग कर सकते हैं, तो आप ट्राई करो कि ग्रेजुएशन के बाद ही किसी ना किसी स्कूल में जाके टीचिंग करो, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रोफेसर बनने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, आपके पास कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफेसर के लिए तो आपके पास एटलीस्ट टीचिंग में ही आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, लेकिन यहाँ पे जितना ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होगा बेनिफिट आपके ही है। तो ग्रेजुएशन के बाद इवन अगर आप स्कूल में भी टीचिंग स्टार्ट कर देते तो वो भी यहाँ पे कैलकुलेट होता है। तो ग्रेजुएशन के बाद आप टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो स्कूल से वो बीएड वालों को ही प्रेफरेंस देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा स्कूल ना हो जहाँ पे ग्रेजुएशन वालों को भी अपॉर्चुनिटी दे रही हो। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे ग्रेजुएशन वालों को अलाउ कर रहे हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। एंड ग्रेजुएशन के बाद अगर आप नहीं भी जा पा रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज मैं टीचिंग करूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर के लिए। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो इवन आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास PhD, MPhil या फिर आपने नेट या JRF क्वालिफाई भी किया है तो भी उस कंडीशन में वर्क एक्सपीरियंस मांगी जाती है, एटलीस्ट 1-2 साल के वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सो ट्राई करो कि ग्रेजुएशन के बाद ही आप ये स्टार्ट कर दो।
सैलरी की बात करते हैं तो एक प्रोफेसर की सैलरी 1 से 1.5 लाख की होती है, और ये मिनिमम सैलरी है जब आप फ्रेशर होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद, जब प्रोफेसर के लिए अपॉइंट होते हैं या प्रोफेसर के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है, तब आपकी सैलरी लेवल 14 की होती है अकॉर्डिंग टू 7 पे कमीशन, जिसमें आपको 1 से 1.5 लाख की सैलरी मिलती है। एंड ये मिनिमम सैलरी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे आपकी सैलरी और भी इससे ज्यादा हो सकती है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होंगे, आपकी सैलरी और भी ज्यादा इंक्रीज करेगी, ठीक है।